यूट्यूब या फेसबुक पर? यूट्यूब पर बोला वॉलीबॉल देखते। अभी कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू होने वाला है, फाइनल मुकाबला सांबा वॉरियर और वॉलीबॉल क्लब दग के बीच में ये मुकाबला होगा। दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। 34th सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। फर्स्ट रेफरी की भूमिका में जहां पर परविंदर सिंह, पहली सर्विस थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी जहां पर पहली सर्विस दग की तरफ से। और पहला पॉइंट मिला है जहां पर दग को, वन लव, एक पॉइंट की बड़ा पहला पॉइंट लिया है। और यहाँ पर ये बहुत पुराने प्लेयर हैं दीपक शर्मा, लेकिन जहाँ कलाई का उपयोग करना चाहते थे नहीं सफल हो पाए सर्विस दग की ओर से। इसी के साथ लगातार पॉइंट की बढ़त, थ्री लव। और आखिरकार सेटर ने ड्रॉप करके एक अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। सर्विस सांबा वॉरियर की तरफ से लास्ट ईयर के विजेता, जैसा ड्रॉप किया था सेटर ने सांबा वॉरियर की तरफ से वैसा ही जवाब दिया है दग की टीम की तरफ से, जो सेटर से ड्रॉप कर दिया था और एक अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। बहुत ही सुंदर समय है जहाँ पर बहुत ही पुराने प्लेयर, अनुभवी प्लेयर हैं काका सतपाल शर्मा, सर्विस परवेज की, जबकि बहुत लंबा ब्लॉक अंकु शर्मा सेंटर ब्लॉकर जो उस वक्त हैं, बहुत बढ़िया ब्लॉक निकलने दे रहे त्रिकुटा क्लब की तरफ। उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और अब डोगरा रेजिमेंट में खेलते हैं। और ये बॉल डिफेंस हो सकती, देखते रह गए एक दूसरे को प्लेयर। एक अंक की बढ़ोतरी हुई है सांबा, क्षमा चाहूँगा दग के खाते में। बहुत ही सुंदर स्मैश जहां पर सत का, सर्विस दीपक शर्मा की बढ़िया सर्विस फ्लोट किया था और ये नेट को स्पर्श होते हुए लटकते हुए बॉल आ गिरी सांबा वॉरियर के पाले में। एक अंक की बढ़ोतरी हुई है दग के, 6-4, 6 पर दग, 4 पर सांबा वॉरियर।
और ये नट में काका की सर्विस, फेमस नाम है काका। हाँ, अंकु के आगे अंकु। बहुत ही सुंदर स्मैश अंकु शर्मा का, लंबे कद के प्लेयर हैं, 6'5" के हाइट। सर्विस से ही एक अंकर जीत कर लिया अपनी टीम के लिए। नेट को स्पर्श करते हुए चली गई थी बॉल डग के पाले में। सर्विस अंकु शर्मा की, देखा जहां खाली जगह है तो वहां पर सर्विस की, जहां पर ब्लॉक के बीच में से ये बॉल निकली नो पर। डग की टीम जबकि 7 पर है संभव वॉरियर। और इसी के साथ एक पॉइंट अर्जित कर लिया सनी ने अपनी टीम के लिए। सर्विस अंकु की, और ये सर्विस भार गई, एक अंक की बढ़ोतरी हुई संभव वॉरियर के खाते में। 8 पर संभव वॉरियर, 10 पर है। नौ पर संभव वॉरियर, 10 पर है डग की टीम। बैकआउट से अटैक किया था देखना होगा। लंबी रैली और ये हाथ को स्पर्श करवा दिया बॉल को। 11-9, 2 अंक की अब भी बढ़त है जहां पर संभव वॉरियर के पास। एक हाथ से बुला करने की कोशिश की थी जहां तालमेल की बहुत कमी दिख रही है संभव वॉरियर के खिलाड़ियों में। पहले सेट का ये मुकाबला चल रहा है और इसी के साथ ये बॉल बाहर। एक अंक अर्जित किया है, एक अंक की बढ़ोतरी हुई है संभव वॉरियर के खाते में। 10 और 12 का स्कोर। ड्रॉप कर दिया था दीपक ने अपना अनुभव जहां पर लगाया, जो उनका अनुभव है, जो लिब्रो थे उन्होंने बॉल प्रॉपर पास नहीं किया था। एक अंक मिला संभव वॉरियर को। इसी के साथ 12-12, 12-12 की बराबरी है और इसी के साथ पहला टाइम आउट लिया है जहां पर दग ने। 12-12, बोलिए
वाला भी लाइव आ रहा, अपनी फोटो देखो लाइव, लाइव देख लो लाइव। नेट को स्पर्श करते हुए बॉल बाहर निकल गई, एक पॉइंट के बढ़ोतरी हुई है दग के खाते में, 14 पर दग, 12 पर है सांबा वॉरियर। थर्टीन फिफ्टीन 13 पर सांबा वॉरियर, लास्ट ईयर के विजेता टीम। सिक्सटीन थर्टीन 16 पर दग की टीम और 13 पर है सांबा वॉरियर, लास्ट ईयर की विजेता टीम है सांबा वॉरियर। जबकि गर्ल्स सेक्शन में जो मुकाबला है वो जीत चुकी है सांबा वॉरियर। यहाँ पर हाथ को स्पर्श करते हुए बॉल बाहर निकल गई, एक अंक की बढ़ोतरी हुई है सांबा वॉरियर के खाते में 14-16। सर्विस सांबा वॉरियर की तरफ से और बहुत ही सुंदर ब्लॉक, जहाँ पर बैकआउट से अटैक करने की कोशिश की थी। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो चुकी है क्योंकि एक जैसी यूनिफॉर्म ना होने के, एक जैसी यूनिफॉर्म ना हो, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि एक जैसा, वो वैसा नहीं है यहाँ पर दोनों टीम के पास, तो उसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी। रेफरी ने सोचा कि जो फ्रंट का प्लेयर है वो बैक से निकला था थोड़ा, तो बैकआउट का समय बैठे थे। बहुत ही सुंदर स्मैश अंकुर राजपूत का, सर्विस दग की तरफ से 3 पॉइंट की बढ़ोतरी, 4 सर्विस से ही एक अंक कर लिया अपनी टीम के लिए। सबका बहुत ही सुंदर स्मैश, हाथ को स्पर्श करते हुए बॉल बाहर चले गई, एक अंक की बढ़ोतरी हुई सांबा वॉरियर के खाते में।
16 पर सांबा वारियर गत विजेता और डग की टीम 19 पर, 3 अंक की अभी भी बढ़त है, 3 अंकों की अभी भी बढ़त है। डग के पास बहुत ही सुंदर तालमेल, बढ़िया तालमेल के साथ खेल रही है डग की टीम। सर्विस सांबा वारियर की 16-19। अच्छा स्मैश, लेकिन डिफेंस बहुत बढ़िया। करवा देंगे कोई गल नहीं, हो जाऊगा। गिल है क्या, हो जाऊगा गिल साहब। बहुत ही सुंदर स्मैश यहाँ पर सौरभ भगत का, एक अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। अभी भी 2 अंकों की बढ़त है यहाँ पर डग के पास। अंकों की सर्विस, लंबे कद के प्लेयर, 6'5" की हाइट उनकी। बहुत ही सुंदर स्मैश सन्नी का, एक अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। 21 पर पहुंच चुकी है, 4 अंक की बढ़त है यहाँ पर। पावरफुल सर्विस करने की कोशिश की थी लेकिन बॉल नेट में। 18-21 सांबा वारियर की सर्विस, ड्राप करने की कोशिश की थी लेकिन बॉल नेट में और 1 अंक की बढ़ोतरी हुई 19-21। और इसी के साथ 20-21, देखा जहां पर खाली स्थान था वहां पर बॉल को ड्रॉप कर दिया, टाइम आउट लिया है जहां पर।23-20 और सर्विस से एक अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। 22-23 बहुत ही रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में। सर्विस सांबा वारियर की, और ये बहुत ही खतरनाक मैच। इसी के साथ ही सेट पॉइंट, 1 अंक चाहिए ये सेट जीतने के लिए। और इसी के साथ
पहला सेट जीता है दग ने। 34th सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23।